कोरोना महामारी से जूझ रहे भारत की मदद करने के लिए दुनिया भर के कई देश सामने आ चुके हैं। इसी सिलसिले में अब ब्रिटेन ने जानकारी दी है कि शुक्रवार को उत्तरी आयरलैंड में बेलफास्ट से दुनिया के सबसे बड़े कार्गो प्लेन ने 3 18 टन के ऑक्सीजन जनरेटर और 1000 वेंटिलेटर लेकर उड़ान भरी है। विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय यानी FCDO ने कहा है कि एंटोनो 124 विमान में जीवन रक्षक किट को लोड करने के लिए हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने रात भर काम किया। बता दें कि विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय ने इस सप्लाई के लिए पैसे दिए हैं। FCDO के मुताबिक रविवार सुबह 8 बजे तक इस विमान के दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद इंडियन रेड क्रॉस की सहायता से इस सप्लाई को भारत के अस्पतालों में भेजा जाएगा। तीनों ऑक्सीजन जनरेटर में से हर जनरेटर प्रति मिनट 500 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, जो एक साथ 50 लोगों के इस्तेमाल करने के लिए काफी है। UK के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने कहा कि ब्रिटेन और भारत मिलकर इस महामारी से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। कोई भी तब तक सेफ नहीं है जब तक हम सभी सेफ नहीं हैं। वहीं उत्तरी आयरलैंड के स्वास्थ्य मंत्री रॉबिन स्वान उपकरणों को लोड करने के समय बेलफास्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि भारत की मदद और सपोर्ट करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर खतरनाक हो चुकी है, जिससे लोगों को अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड्स की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की मौत आए दिन हो रही है। ऐसे में विदेशी मदद थोड़ी राहत जरूर देंगी। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।